जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कर चुके हैं। आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सोशल साइंस का चौथा पार्ट है। और नाइन्थ जो इकोनॉमिक्स है, जो एनसीईआरटी में है, वो नाइन्थ क्लास से ही स्टार्ट होती है। तो ये लेसन है पालमपुर गांव की कहानी के ऊपर। इसमें ये बताया है कि गांव में कौन सी कैसे कैसे क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ये जो गांव है, इसमें बताया कि इसमें कृषि क्रियाओं के अलावा गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं। फिर जो काम की चीज़ें हैं बस वही डिस्कस करेंगे, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें यह है कि उत्पादन का संगठन, कि उत्पादन के संगठन के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें बताया कि पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की, दूसरी आवश्यकता श्रम और जो लोग काम करेंगे उनकी, तीसरी आवश्यकता होती है भूमि भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी में भी जैसे अब इसमें दो पार्ट कर रखे हैं कि एक तो जो स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है, जैसे जो कार्यशील होती है। फिर चौथी आवश्यकताएं भी होती है, एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक जो मनुष्य है, जो संसाधन है मनुष्य, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी जो इन सब चीज़ों को एक साथ लेके काम करे। बताया कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। फिर जैसे इसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कोई खास लेसन नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लेसन है। भूमि मापने का जो मापक है वो हेक्टेयर होता है, पर गांव में जैसे भूमि का जैसे बीघा, गुठा आदि क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं, उनसे भी मापा जाता है। एक हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र के बराबर होता है, जो हेक्टेयर होता है वो। अच्छा, फिर जो पालमपुर का जो किसान है वो खेती है जैसे तीन तरह से होती है, रबी की, खरीफ की और एक होती है जायद। तो ये तीनों तरह की ही फसल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई का जो साधन है वो सही है। इस कारण वो एक मतलब सभी गांव में ऐसी ऊंच सिंचाई व्यवस्था नहीं होती, परंतु यहाँ पर ऊंच सिंचाई व्यवस्था है। तो यहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली से खेती की जाती है। इस लेसन में और कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा था कि दो चार चीजें थी बतानी जो जरूरी थी। और फिर ये बता के पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे डेयरी का काम किया होता है। अच्छा, वहाँ पर पालमपुर में लघु स्त्री विनिर्माण के भी कोई उद्योग हैं, उनके भी उदाहरण दिए गए हैं। फिर बताया कि जो कोई मिश्री लाल की कहानी बताई, करीम और जैसे सविता किशोर की कहानी बताई, कि ये अलग अलग काम करने वाले लोग हैं जो गाँव में अलग अलग तरह से, जैसे ये गन्ना पेरने की मशीन है, इसके पास ये कंप्यूटर खोले हुए है, ये खेतियर मजदूर है। तो इनकी कहानी के थ्रू इस लेसन में यही समझाया है कि इकोनॉमिक्स में कौन सी एक्टिविटी होती है, उनको ही बताया है। मतलब बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।